गरीब मनहूस बेटी की डोली मुस्कान दुल्हन बने अपने गरीब घर में बैठी हुई थी और आज वह किसी के घर की बहू बनने वाली थी और एक गरीब परिवार की लड़की के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए उसे तो ये सब सिर्फ एक सपने जैसा लग रहा था क्योंकि उसकी शादी शहर के एक बहुत ही बड़े घर के लड़के से होने जा रही थी और इस रिश्ते को तय करने के लिए उसके माता पिता ने बहुत मेहनत की थी। वरना कोई भी अमीर घर का लड़का भला किसी गरीब गांव की लड़की से शादी क्यों करेगा। और रही बात लड़के की माँ अहिल्या जो कि एक बहुत ही अच्छी इंसान थी और इसी वजह से उसने मुस्कान को अपने घर की छोटी बहू बनने के बारे में सोचा, क्योंकि अहिल्या के दो बड़े बेटे और थे जिनकी पहले से ही अमीर घर की लड़कियों मोनिका और रीता से शादी हो चुकी थी और इसी वजह से मुस्कान की होने वाली दोनों जेठानियां इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि मुस्कान एक गरीब घर की लड़की थी। पता नहीं माँ जी ने देवर जी का रिश्ता उस गरीब गांव की लड़की से तय क्यों कर दिया। अरे मुझे तो उन लोगों का रहन सहन देखकर ही गुस्सा आता है। हाँ दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पता नहीं हम उस छोटे से गांव में बारात लेकर जाएंगे कैसे, वहाँ की तो सड़कें भी टूटी फूटी है। कोई बात नहीं रीता, एक बार ये शादी होने तो दे, फिर मैं उस मुस्कान को महल के सपने दिखाती हूँ। दीदी मैं तो बस एक मौके का इंतजार कर रही हूँ, अगर मुझे मौका मिल गया ना तो मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी। जहाँ मुस्कान अपने घर में बैठे अपनी डोली उठने का ख्वाब देख रही होती है, वहीं उसकी दोनों जेठानियाँ उसकी शादी तोड़ने के बारे में सोच रही होती है। और ऐसे ही कुछ देर में सब लोग शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और गांव दूर होने की वजह से सभी बराती कार में बैठकर गांव की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं अहिल्या के तीनों बेटे एक कार में बैठकर सबसे आगे चल रहे होते हैं और वहीं पीछे वाली गाड़ी में अहिल्या और उसकी दोनों बहुएं बैठकर आ रही होती है। उसी समय अहिल्या का बड़ा बेटा कहता है, अरे आज बाहर बहुत ठंड है और इतनी ठंड में तो गाड़ी चलाने का मन भी नहीं कर रहा। हाँ भैया आपने बिल्कुल सही कहा, ठंड से याद आया भैया हम लोगों का बिजनेस भी इस समय ठंडा ही चल रहा है, पता नहीं पहले की तरह प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा बिजनेस में। सही कहा भाई, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे बिजनेस पर। ये तीनों भाई मिलकर ही अपने पिता का खड़ा किया हुआ बिजनेस चलाया करते थे जिसमें पहले तो काफी प्रॉफिट होता था, लेकिन कुछ महीनों से उनके बिजनेस में काफी नुकसान हो रहा है और इसी वजह से वे तीनों भाई बहुत परेशान थे और ऊपर से ये शादी का खर्चा भी जो उनकी मुश्किलें और बढ़ा रहा था। और यही सारी बातें सोचते सोचते उसका बड़ा भाई गाड़ी चला रहा होता है और गाँव पहुँचते ही गांव की सड़कों पर बहुत सारी बर्फ जमी हुई थी। तभी मोनिका कहती है, अरे माँ जी ये कैसा गांव है, यहाँ की तो सड़कों पर भी बर्फ जमी हुई है, गाड़ी भी कितनी मुश्किल से चल रही है। सही कहा दीदी आपने, माँ जी ने भी पता नहीं क्या सोचकर देवर जी की शादी इस गांव में तय कर दी है। मुझे पता है बहू तुम दोनों इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हो, लेकिन मैं जानती हूँ मुस्कान एक बहुत ही अच्छी लड़की है और उसके आने से हमारी घर की खुशियाँ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अपनी सास के मुंह से मुस्कान की तारीफ सुनकर दोनों बहुओं का मुंह बन जाता है। वही उसका बड़ा भाई अपने भाइयों से बात करते हुए गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन सड़क के बीचों बीच एक बहुत ही गहरा गड्ढा खुदा होता है और उस गड्ढे के ऊपर बर्फ जमी होती है और इसी वजह से नीरज को इस बात का पता ही नहीं चलता और वह उस गड्ढे के ऊपर से गाड़ी निकालने वाला होता है। तभी उसकी गाड़ी उस गड्ढे के अंदर गिर जाती है और वह तीनों भाई भी गाड़ी के साथ साथ उस गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं और उनके चीख की आवाज़ सुनकर अहिल्या का ड्राइवर फटाफट से गाड़ी रोक देता है। तभी वे लोग गाड़ी से उतरकर देखते हैं कि उसके तीनों बेटे गड्ढे के अंदर गिर गए हैं। ये देखकर अहिल्या फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, ये क्या हो गया, हम तो अपनी बहू की डोली उठाने के लिए जा रहे थे लेकिन तूने तो मेरे तीनों बेटों की अर्थी ही उठा दी, अब हम लोगों का क्या होगा। मोनिका और रीता गुस्से में आकर सारा इल्जाम होने वाली बहू मुस्कान के ऊपर लगाते हुए कहती है,
देख लिया ना माँ जी आपने, आज आपकी जिद की वजह से हमने अपने पतियों को खो दिया। अरे मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी कि वो मनहूस है मनहूस, और उसे अपने घर की बहू मत बनाइए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। हाँ माँ जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही है, आप उस मनहूस मुस्कान की वजह से हमारा पूरा परिवार ही खत्म हो गया। अरे अभी तो उसके कदम तक नहीं पड़े थे हमारे घर में, तो इतना कुछ हो गया। तो सोचो अगर वो हमारे घर में बहू बनकर आ जाती तो हम लोगों का क्या होता। ऐसी स्थिति में अहिल्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और इसी वजह से अहिल्या भी अपनी दोनों बहुओं की बातों में आ जाती है। तभी वे लोग सीधा सीधा मुस्कान के घर पहुंचते हैं, जहां मुस्कान के माता पिता बारात का स्वागत करने के लिए घर के बाहर खड़े होते हैं, और अहिल्या को देखते ही मुस्कान के पिता कहते हैं, आइए समधन जी, स्वागत है आपका, लेकिन दूल्हे राजा कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो? अरे तुम्हारे मनहूस बेटे की वजह से मेरे तीनों बेटों की समाधि बन चुकी है, और तुम पूछ रहे हो कहाँ है मेरे बेटे? अहिल्या की बात सुनकर मुस्कान के पिता और उसकी माँ घबरा जाती है। तभी उसके पिता कहते हैं, ये आप क्या कह रही हैं समधन जी, मेरी बेटी की वजह से ये कैसे हो सकता है? हाँ, क्योंकि तुम्हारी बेटी मनहूस है मनहूस, उसी की मनहूसियत की वजह से आज मेरे तीनों बेटे गड्ढे के अंदर गिर चुके हैं, पता नहीं वो तीनों जिंदा भी है कि नहीं। हाँ, हमारे पतियों की जान आपकी मनहूस बेटी मुस्कान की वजह से ही हुई है। अरे शादी होने से पहले ही अपने ससुराल में मातम फैला दिया है इसने, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मुस्कान सबके गुस्से भरी आवाजों को सुनकर घर से बाहर आती है। उसी समय मोनिका और रीता मिलकर उसे मारने लगते हैं। तभी मुस्कान कहती है, आप लोग मुझे क्यों मार रहे हैं? आखिर मैंने क्या किया है? छोड़ दीजिए मुझे। समधन जी, छोड़ दीजिए मेरी बेटी को, मेरी बेटी मनहूस नहीं है। अरे ये तो एक एक्सीडेंट है, इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर? मुस्कान के पिता के इतना कहने पर भी अहिल्या और उसके परिवार का गुस्सा कम नहीं होता है, और उनके ताने भरी बातों को सुनकर मुस्कान अंदर ही अंदर टूट जाती है, क्योंकि उसके लिए तो ये शादी बहुत ही बड़ी बात थी, लेकिन अब ऐसी हालात में उसकी शादी कैसे हो सकती है। लेकिन तभी मुस्कान कहती है, देखिए आप लोग पहले मेरी बात सुनिए, हमारे लिए सबसे पहले उन लोगों की जान बचाना जरूरी है। मुझे लगता है अभी वे लोग जिंदा होंगे, इसलिए हम लोगों को पहले उन्हें बचाने के बारे में सोचना चाहिए। चलिए हम लोग चलकर पहले उन लोगों को बचाते हैं, फिर आपको मुझे जो कहना हो कह लीजिएगा। मुस्कान के इतना कहते ही सब लोग मिलकर मुस्कान के साथ उसी गड्ढे के पास जाने लगते हैं, और उनके साथ साथ गांव वाले भी रस्सी और डंडा लेकर उनके साथ जाने लगते हैं। और गड्ढे के पास पहुंचते ही अहिल्या कहती है, हाँ हाँ यही है वो गड्ढा जहां मेरे तीनों बेटे कार से गिर गए थे। अहिल्या के इतना कहते ही गांव वाले बड़ी बड़ी रस्सियों को अपने कमर पर बांधकर गड्ढे के अंदर कूद जाते हैं, और उसके तीनों बेटों को रस्सियों के सहारे बांधकर ऊपर ले आते हैं, लेकिन ठंड की वजह से वो तीनों जम जाते हैं। उसी समय मुस्कान लकड़ियों को इकट्ठा करके वहाँ पर आग जलाती है, और उन तीनों को आग के सामने लिटा देती है। आग के गर्माहट की वजह से उन तीनों को होश आ जाता है, लेकिन वो लोग कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि ठंड की वजह से उनकी कुछ नसें ब्लॉक हो जाती है। उसी समय अहिल्या कहती है, ए भगवान, ये मेरे तीनों बेटों को क्या हो गया, ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? माँ जी आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। तू? अरे तू ही तो इन सब की वजह है, तेरी ही मनहूसियत की वजह से ये सब हुआ है। और नहीं तो क्या, तुझे हमारे पतियों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए आप लोगों को जो सोचना है सोच लीजिए, लेकिन मेरे लिए इस समय इन लोगों को ठीक करना ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप लोग इन सबको उठाकर मेरे घर ले चलिए। और इस तरह मुस्कान के कहने पर गांव वालों ने उन तीनों को उठाकर मुस्कान के घर पहुंचा दिया, और मुस्कान दिन रात एक करके उन तीनों की सेवा करने लगी, क्योंकि मुस्कान को आयुर्वेदिक चीजों के बारे में बहुत ज्यादा पता था, और उसने कुछ महीनों तक मेडिकल में पढ़ाई भी की थी, लेकिन अपने घर की गरीब स्थिति को देखकर उसको अपनी मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी।
लेकिन मुस्कान को मेडिकल के बारे में बहुत कुछ पता था, इसलिए वह घर में ही दवाई बनाकर उन तीनों को पिलाने लगती है और रात दिन एक करके उन तीनों की सेवा करती है। जहां अहिल्या और उनकी दोनों बहुएं आराम से चैन की नींद सो रही होती है, वहीं मुस्कान की आंखों से तो नींद ही गायब हो जाती है और वह लगातार एक हफ्ते तक सेवा करने के बाद अचानक से मुस्कान का होने वाला पति विवेक बोल पड़ता है, मुस्कान मुस्कान। विवेक की आवाज़ सुनकर मुस्कान बहुत खुश हो जाती है और कहती है, आपने अभी मेरा नाम लिया, इसका मतलब आप बोल सकते हैं। हाँ मुस्कान, आज तुम्हारी वजह से आज फिर से हम बोल पा रहे हैं। और इस तरह कुछ दिनों में वो तीनों बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और अपने बेटे को फिर से ठीक ठाक देखकर अहिल्या की आंखों में आंसू आ जाता है और उसकी दोनों बहुओं को भी पछतावा होता है। मुस्कान, सच में आज तुमने मेरे तीनों बेटों को बिल्कुल ठीक कर दिया और मुझे माफ कर देना बेटी, मैं अपनी दोनों बहुओं की बातों में आकर न जाने तुम्हें कितना बुरा भला कहा, लेकिन आज से तुम ही हमारे घर की लक्ष्मी हो। हाँ मुस्कान, हमें भी माफ कर दो, हमने भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन अब हम तुम्हें डोली में अपनी देवरानी बनाकर ले जाएंगे। और ऐसे ही कुछ ही दिनों में मुस्कान और विवेक की शादी हो जाती है और मुस्कान खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है, जहां उसे बहुत प्यार और सम्मान मिलता है। गरीब बेटी की शादी में बोरी का लहंगा। राधिका अपने माता पिता के साथ उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहा करती थी। उसका परिवार बहुत ही गरीब था, इसीलिए उसके पिता भोला दास कूड़ा चुनने का काम किया करते थे और वहीं उसकी मां ममता लोगों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी, लेकिन उससे भी उनके घर का ज्यादा कुछ गुजारा नहीं हो पाता था। और अब तो राधिका भी शादी के लायक हो गई थी, जिस वजह से भोला दास और ममता हमेशा उसकी शादी को लेकर परेशान रहा करते थे। सुनिए जी, राधिका अब शादी के लायक हो गई है, इसीलिए हमें अब अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। हाँ तुम सही कह रही हो ममता, लेकिन भला हम अपनी बेटी की शादी कैसे कर पाएंगे, हम लोग तो दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से खा पाते हैं और आजकल तो लोग शादियों में इतना दान दहेज मांगते हैं, तो भला हम वो सब कहाँ से ला कर देंगे। कह तो आप सही रहे हो जी, लेकिन हमें कोई न कोई इंतजाम तो करना ही होगा ना। तो फिर ठीक है, मैं राधिका के लिए लड़के देखना शुरू करता हूँ। हाँ, और तब तक मैं राधिका को भी कुछ काम दिलवा देती हूँ, इससे उसकी शादी का लहंगा खरीदने में आसानी होगी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ऐसे ही अगले दिन ममता राधिका को भी एक घर में खाना बनाने के काम पर लगवा देती है और फिर राधिका भी अपनी माँ की तरह ही लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करना शुरू कर देती है। और देखते ही देखते ठंड का मौसम आ जाता है और जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। और इसी बीच एक दिन भोला दास ममता से कहता है, ममता मैंने अपनी राधिका के लिए एक लड़का देखा है, उसकी खुद की किराने की दुकान है और अच्छा खासा पैसा भी कमाता है, वहाँ हमारी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होगी। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन लड़का है कौन? अरे मेरा दोस्त गिरधारी है ना, उसी के बड़े भाई का बेटा है विजय, बहुत ही अच्छा परिवार है। लेकिन जी आपने उन सबको बता दिया है ना कि हम लोग बहुत गरीब हैं और हम उन्हें दान दहेज नहीं दे पाएंगे। अरे हाँ हाँ ममता, मैंने सारी बातें कर ली है, उन्हें बस हमारी बेटी चाहिए और कुछ भी नहीं। ठीक है जी, लेकिन आपको तो हमारी स्थिति का पता ही है और इस समय तो इतनी ठंड हो रही है, अगर हमने राधिका को कोई गर्म कपड़े नहीं दिए तो न जाने उसके ससुराल में सब क्या कहेंगे, इसलिए अगर ये शादी गर्मियों में हो जाती तो। ठीक है ममता, मैं समझ गया, मैं इस बारे में एक बार गिरधारी से बात करके देखता हूँ। इतना कहकर भोला दास अगले दिन ही गिरधारी के पास जाता है और उससे कहता है, गिरधारी तुझे अपने दोस्त की हालत तो पता ही है ना, और अगर हम इतनी ठंड में शादी करेंगे तो मैं अपनी बेटी को गर्म कपड़े कहाँ से लाकर दूंगा, इसलिए मैं सोच रहा था अगर हम ये शादी गर्मियों में कर लेते तो
देख भोला, मैं तेरी बात समझ सकता हूँ, लेकिन तुझे पता ही है ना कितनी मुश्किल से तुझे यह रिश्ता मिला है, और अगर तू अपनी बात से ऐसे ही पीछे हट गया तो इससे तेरी बेटी की शादी में कोई दिक्कत ना आ जाए। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे तैसे करके इसी महीने में अपनी बेटी की शादी कर दे, बाकी का बाद में देखा जाएगा। तू सही कह रहा है गिरधारी, मैं इसी महीने अपनी बेटी की शादी करूँगा। इतना कहकर भोला दास वापस अपने घर आ जाता है और ममता को सारी बातें बताता है। कोई बात नहीं जी, मैंने कुछ पैसे जमा कर रखे हैं, शादी में थोड़े काम आएंगे। हाँ ममता, मैंने भी कुछ पैसे जोड़ रखे हैं, मैं अभी निकाल कर लाता हूँ। इतना बोलकर ममता और भोला दोनों ही अपने पैसे निकाल कर जोड़ते हैं और कहते हैं, अरे ये तो सिर्फ 10,000 रुपए ही हुए हैं, अब भला इतने में शादी की सजावट और मेहमानों की खातिरदारी कैसे हो पाएगी। उसी समय राधिका वहाँ पर आती है और कहती है, माँ पिताजी मुझे पता है आप लोग मेरी शादी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो, इसलिए मैंने भी कुछ पैसे जमा किए हैं, ये लीजिए पिताजी, शायद इससे आपकी कुछ मदद हो जाए। अरे इसे मिलाकर तो पूरे 15,000 रुपए हो गए हैं, अब हम मेहमानों की खातिरदारी अच्छे से कर पाएंगे। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा जी, लेकिन राधिका बेटी तू अपनी शादी में क्या पहनेगी, हमारे पास तो तेरी शादी का जोड़ा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे। लेकिन बेटी तू ऐसा कर, मेरे संदूक में एक पुरानी साड़ी रखी है जो पिछले साल मुझे मालकिन ने दी थी, तू वही साड़ी अपनी शादी में पहन ले। नहीं माँ, मुझे भी अपनी शादी में लहंगा पहनना है सबकी तरह। लेकिन बेटी तुझे तो पता है हमारे पास लहंगा खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, और वैसे भी इतनी ठंड में अगर तू लहंगा पहनेगी तो कहीं तू बीमार न पड़ जाए। माँ आप उसकी चिंता मत करिए, मैं उसका इंतजाम कर लूँगी, आप बस शादी की तैयारियाँ कीजिए। ऐसे ही अगले दिन जब भोला दास कूड़ा चुनने जा रहा था, तभी राधिका उससे कहती है, पिताजी अगर आपको कूड़ा चुनते समय कुछ बोरियाँ मिले तो आप उन्हें घर ले आइएगा। लेकिन बेटी तुम उन बोरियों का क्या करेगी? पिताजी आप बस मेरे लिए कुछ बोरियाँ ले आइए, बाकी आपको कुछ दिनों में खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है बेटी जैसा तुम कहो। इतना कहकर भोला दास जब उस दिन कूड़ा चुनता है तो उसे कई सारी बोरियाँ मिलती है, जिसे वो अपने साथ घर ले आता है और राधिका को लाकर दे देता है। ये ले राधिका बेटी तेरी बोरियाँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी। इतना कहकर राधिका अपने मन ही मन सोचती है, बोरियाँ तो मुझे मिल गई, लेकिन अब मैं अपना लहंगा कैसे बनाऊंगी, मेरे पास तो सिलाई मशीन ही नहीं है। इतना सोचकर राधिका उदास हो जाती है, और जब वो अगले दिन अपने काम पर जाती है तो उसका उदास चेहरा देखकर उसकी मालकिन उससे कहती है, अरे राधिका क्या बात है, आज तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अपनी मालकिन की बात सुनकर राधिका उन्हें सारी बातें बताती है। उसी समय उसकी मालकिन उससे कहती है, राधिका तू मेरे साथ स्टोर रूम में आ। इतना कहकर राधिका की मालकिन उसे स्टोर रूम में ले जाती है और कहती है, राधिका ये देख, ये सिलाई मशीन काफी दिनों से यहाँ पर पड़ी हुई है, मैं तो इसे इस्तेमाल करती नहीं हूँ, इसलिए तू ऐसा कर इस सिलाई मशीन को तू ही ले जा, तेरा लहंगा सिलने में ये काम आएगा। और हाँ ये कुछ गोटा पट्टी और कुछ मोतियाँ हैं, इन्हें भी तू ले जा, तेरे लहंगे पर लगाने के काम आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन, आपने तो मेरी सारी समस्या ही दूर कर दी। इतना कहकर राधिका उस सिलाई मशीन को लेकर घर आ जाती है और उस दिन से वो अपनी बोरी का शादी का लहंगा सिलना शुरू कर देती है। अरे राधिका बेटी ये तू क्या कर रही है? पिताजी मैं इन बोरियों से अपनी शादी का लहंगा बना रही हूँ, माँ कह रही थी ना कि बाहर बहुत ठंड हो रही है, तो अब इस बोरी के लहंगे को पहनने से मुझे ठंड भी नहीं लगेगी और मेरी शादी में लहंगा पहनने का सपना भी पूरा हो जाएगा। और ऐसे ही दिन रात कड़ी मेहनत के बाद राधिका अपनी बोरी का लहंगा सिलकर तैयार कर लेती है और उस लहंगे को गोटा पट्टी और मोतियों से बहुत ही सुंदर तरीकों से सजा देती है। कुछ ही दिनों में शादी का दिन भी आ जाता है और उस दिन काफी ठंड हो रही थी,
इसलिए जब राधिका अपनी बोरी का लहंगा पहनकर शादी के मंडप में आती है तो हर किसी की नज़र सिर्फ उसके लहंगे के ऊपर ही होती है और हर कोई उसके लहंगे की ही तारीफ कर रहा होता है। उसी बीच उत्तराखंड घूमने आए एक फैशन डिजाइनर कंपनी के मालिक की नज़र जब राधिका के लहंगे पर जाती है तो वो उसके पास आकर उससे कहता है, सुनिए ये आपने लहंगा कहाँ से लिया, क्योंकि आज तक मैंने बोरी का इतना सुंदर लहंगा और इतना अनोखा डिजाइन कभी नहीं देखा। नहीं नहीं, ये लहंगा तो मैंने खुद से बनाया है। क्या सच में? अरे आपका ये बोरी का लहंगा तो बहुत ही अनोखा और यूनिक डिजाइन है, क्या आप मेरे लिए भी बोरी के ऐसे ही कुछ लहंगे बना सकती हो? इसके बदले मैं आपको अच्छे खासे पैसे दूंगा और ये कुछ पैसे एडवांस में भी है, इसे रख लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके लिए बोरी के लहंगे बना दूंगी। इतना कहकर राधिका अपने ससुराल में ही रहकर बोरी के लहंगे सिलना शुरू कर देती है और उसके बोरी के लहंगे देखते ही देखते कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं और राधिका के पास बोरी के लहंगे सिलने के पहले से भी ज्यादा ऑर्डर आने लगते हैं और देखते ही देखते राधिका भी अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है और उन पैसों से अपने ससुराल वालों और अपने माता पिता की आर्थिक तौर पर मदद करती है। गरीब की बेटी की शादी। मीना अपने पति अशोक और बेटी सुमन के साथ रामपुर गांव में रहती थी। मीना का पति अशोक एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करता था और उनका एक बहुत अच्छा मकान था। सुमन को बहुत अच्छे स्कूल में डाल रखा था। सुमन बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। अशोक भी मीना और सुमन की खुशी का ख्याल रखता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था पर अचानक मानो मीना की खुशियों पर नजर लग गई। अशोक को अपने कुछ बिगड़ैल दोस्तों के साथ रहकर शराब पीने की आदत लग गई। अक्सर पार्टियों और शराब पर पैसे उड़ाने लग गया। अशोक रोजाना देर रात को नशे की हालत में घर लौटता था। एक दिन की बात है, देर रात अशोक नशे की हालत में घर लौटा तो उसकी पत्नी मीना उससे गुस्से में बोली, ऐसा आप कब तक करते रहेंगे? शराब से आपकी सेहत को नुकसान हो रहा है, आप समझते क्यों नहीं हैं? मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ तो तुझे क्या परेशानी है? मैं रोज पीऊंगा, तुझे यहाँ नहीं रहना है तो चले जाए यहाँ से। अशोक की गंदी आदत बढ़ती जा रही थी। हर समय नशे में चूर रहने की वजह से दिन में सोता रहता था, इसलिए उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। धीरे धीरे अशोक ने अपना सब कुछ बेच दिया, यहाँ तक कि घर भी। वो मीना और सुमन को लेकर किराए के मकान में रहने लगा। मीना परेशान रहने लगी। एक दिन सुमन के स्कूल से फीस का नोटिस आता है जिसे पढ़कर मीना बहुत परेशान हो जाती है और सोचने लगती है, अरे ये सुमन के स्कूल से फीस का नोटिस, अब मैं कहाँ से पैसे लाऊं, स्कूल की फीस कैसे भरूं? मीना ये सब सोच रही थी तभी सुमन वहाँ आती है और कहती है, माँ भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो ना। हाँ हाँ रुक जाओ, मैं बस सब्जी वाले की दुकान से आलू लेने जा रही हूँ, फिर तेरे लिए आलू के पराठे बनाती हूँ। हाँ माँ, आपके हाथ के आलू के पराठे मुझे बहुत पसंद है, जल्दी से बना दीजिए। तभी मीना की सहेली ममता का फोन आता है। सहेली के बार बार पूछने पर मीना सारी परेशानी बता देती है। ममता बस यही सोच रही हूँ कि अभी सुमन की फीस भरनी है, घर का खर्चा सब कैसे होगा। अरे तो घबरा मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी तो इस वक्त कहाँ है। सुमन को मेरे हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद है तो आलू लेने जा रही हूँ। आलू के पराठे से याद आया कि तू कड़ी चावल कितना स्वादिष्ट बनाती है, याद है सब उंगलियाँ चाटते रह जाते थे, तो कड़ी चावल बनाकर क्यों नहीं बेचती, इससे तेरी कमाई भी हो जाएगी और थोड़ा बहुत परिवार का भी खर्चा उठा पाएगी। ममता की इस बात से मीना को एक उम्मीद की किरण मिली, पर वो सोच रही थी कि वो ये सब कैसे करे। अगले दिन उसने कड़ी चावल बनाए और पतीले में लेकर घर के पास सड़क के किनारे पर बैठ गई। पूरा दिन वहाँ धूप में बैठी रही पर किसी ने भी उसके कड़ी चावल नहीं खरीदे। शाम को वो घर आ गई, कड़ी चावल बिल्कुल भी नहीं बिके। वो घर आकर रोने लगी, मैं क्या करूं भगवान, कोशिश की पर कामयाब नहीं हुई,
मुझे हिम्मत दो भगवान, ताकि मैं अपने परिवार का खर्चा उठा पाऊँ। माँ, जब मैं कभी परीक्षा में अच्छा नहीं करती तो तुम ही तो मुझे कहती हो दोबारा मेहनत करो। आप भी कल दोबारा कोशिश करना माँ। मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है, तू सही कह रही है, मैं कल एक बार फिर कोशिश करूँगी। मीना कल दोबारा कड़ी चावल बेचने जाती है। पूरा दिन कोई भी ग्राहक नहीं आता है। मीना निराश हो जाती है कि तभी एक आदमी उसके पास आकर कहता है, आपके पास कुछ खाने को मिलेगा? यहाँ आसपास खाने की दुकानें बंद हो गए हैं। आपको यहाँ देखा तो मुझे लगा यहाँ कुछ खाने को मिल जाए शायद। जी हाँ, मेरे पास कढ़ी चावल है, अगर आप कहो तो एक प्लेट लगा दूँ। भूख में तो सब कुछ अमृत है, एक प्लेट कितने की है? एक प्लेट 20 रुपए की है। ठीक है, तो एक प्लेट दे दीजिए। मीना कढ़ी चावल की एक प्लेट तैयार करती है और आदमी को देती है। आदमी जैसे ही कढ़ी चावल का पहला निवाला खाता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, तो वो मीना से कहता है, वाह क्या बात है, कढ़ी चावल बहुत स्वादिष्ट है। आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा? क्योंकि मैं पहले यहाँ कई बार आया हुआ हूँ। जी आप सही कह रहे हैं, मैंने अभी बस कुछ दिन पहले ही कढ़ी चावल बेचना शुरू किया है। पूरा दिन बीत जाने के बाद एक ही प्लेट बिका था, लेकिन उस एक प्लेट के कढ़ी चावल के पैसों से मीना को बहुत हिम्मत मिली और मीना अगले दिन फिर से कढ़ी चावल लगाकर बैठ गई। कुछ देर बैठने के बाद पिछले रात वाला ग्राहक फिर से आया और इस बार उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। आपने पहचाना मुझे, कल आपके कढ़ी चावल बहुत स्वादिष्ट लगे, तो आज मैं अपने पार्टनर दोस्त को भी खिलाने आया हूँ, 2 प्लेट लगा दीजिए। अभी बना देती हूँ साहब। ऐसे ही धीरे धीरे मीना के पास ग्राहक आना शुरू हो गए और उसकी कमाई शुरू हो गई। कुछ ही दिनों में मीना के पास सुमन के स्कूल की फीस भरने लायक पैसे जमा हो गए। वो सुमन के स्कूल की फीस भरना चाहती थी। उसी रात मीना संदूक में पैसे रख रही थी, तभी उसके पति अशोक ने देख लिया और गुस्से में बोला, ये संदूक में क्या छुपा रही है, दिखा दिखा जरा मुझे। ये रुपए मैंने सुमन के स्कूल के फीस के लिए जोड़ कर रखे हैं, ये मत ले जाओ। देख मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, ये रुपए मुझे दे दे जल्दी। अशोक रुपए छीन कर ले जाता है। मीना रोने लगती है। वो सोचती है कि ऐसे तो ये सारे कमाए हुए पैसे शराब पर उड़ा देंगे, मुझे सुमन के भविष्य के लिए पैसे जोड़ने होंगे। धीरे धीरे मीना का काम चल जाता है। वो किराए पर एक ठेला ले लेती है। अब वो ठेले पर कढ़ी चावल बनाकर बेचने लगी। समय बीतता गया। मीना जिंदगी के 15 साल आगे चली गई। पैसों की कमी के कारण सुमन सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई कर पाई। सुमन भी माँ के कामों में हाथ बटाती थी। मीना मेहनत करते करते थक गई थी, लेकिन अभी भी उसके सिर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और वो थी सुमन की शादी। एक दिन मीना की वो सहेली जिससे फोन पर बात की थी, वो मीना से मिलने आई। मीना को देखकर उसके आंखों में आंसू भर गए और वो बोली, ये तूने अपने क्या हालत बना ली, गरीबी के थपेड़े तेरे चेहरों पर आई झुर्रियां बया कर रही है। अरे तू बैठ ममता, मेरी बेटी से मिल, ये मेरी बेटी सुमन है। सुमन, ये मेरी जोधपुर वाली सहेली ममता है। ममता मौसी, माँ आपको बहुत याद करती है। मीना, मैं इसलिए तेरे पास आई थी कि सुमन के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता है, सुमन भी वहाँ खुश रहेगी और तुझे भी सुमन की किसी भी बात की चिंता नहीं रहेगी। ममता, मेरी ये जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ठीक है, मैं फिर बात कर लेती हूँ लड़के वालों से। मीना को तसल्ली हो जाती है कि सुमन की शादी हो जाएगी। एक गरीब बेटी की शादी करना गरीब की सबसे बड़ी चिंता होती है। ममता उसका रिश्ता पक्का कर देती है। शादी के लिए पैसे जोड़ने के लिए मीना सुबह से लेकर रात तक ठेले पर खड़ी रहती थी। एक दिन मीना को ठेले पर काम करते समय चक्कर आ जाता है, वो नीचे गिर जाती है। सुमन जब ये देखती है तो जोर से चिल्लाती है और मीना के पास आती है और कहती है, माँ माँ के खोलो, माँ माँ क्या हुआ आपको, अरे कोई तो मेरी मदद करो। सुमन की बात सुनकर आसपास के कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और मिलकर मीना को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर मीना का चेकअप करता है और सुमन से बहुत ही मायूस होकर कहता है, आई एम सॉरी, सी इज नो मोर, बॉडी से ज्यादा काम किया है इन्होंने,
इसलिए बीपी हाई होने की वजह से हार्ट अटैक आ गया। सुमन की तो मानो जिंदगी ही रुक गई। उसकी माँ चली गई। वो बिलख बिलख कर रोने लगी। तभी वहाँ पर अशोक आ जाता है। वो भी मरी हुई मीना के आगे रोने लगता है। सुमन उसे कहती है, बापू मेरी माँ के शरीर को हाथ मत लगाना। सिर्फ आपकी वजह से मेरी माँ आज इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने ये क्या कर दिया प्रभु। मीना मुझे माफी मांगने का मौका भी नहीं दिया तूने। मेरे पापों कारण तू चली गई। इतना कहने के बाद अशोक ने मीना का अंतिम संस्कार किया और सुमन के साथ उसी किराए के मकान में रहने लग गया। सुमन माँ की याद में दिन भर उदास बैठी रहती थी। अशोक भी अब सुमन की चिंता में परेशान रहता था। अशोक नौकरी करना चाहता था, लेकिन वो काम भी ढूंढता तो कैसे। पूरा गांव उसकी बुरी आदतों को जानता था, जिस वजह से उसे कोई भी काम पर नहीं रखना चाहता था। एक दिन ममता मीना से मिलने आती है। उसके मरने की खबर सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। वो अशोक को सुमन के रिश्ते की बात बताती है। देखिए अशोक जी, अब मेरी सहेली मीना नहीं रही, पर अब सुमन की शादी की जिम्मेदारी आपको ही निभानी है। लड़के वाले जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। आप सोच लीजिए और जवाब दे दीजिए। इतना कहकर ममता वहाँ से चली जाती है। ममता के जाने के बाद अशोक सोच में पड़ जाता है। उसके पास एक रुपया भी नहीं होते जिससे वो सुमन की शादी कर पाए। वो दुखी होकर रोने लगता है और मीना को याद करने लगता है। तभी एक बूढ़ा आदमी अशोक के घर का दरवाजा खटखटाता है। अशोक दरवाजा खोलने जाता है। सामने से बूढ़ा आदमी हाथ जोड़ते हुए कहता है, जी नमस्ते, मेरा नाम मोहन है। मीना जी के बारे में पता चला, बहुत दुख हुआ सुनकर। आपको कुछ काम था मीना से? जी, एक दिन मैं मीना जी के ठेले पर कढ़ी चावल खाने आया था, तभी उनसे बात हुई। मैं जरूरतमंद लोगों के लिए एक बैंक योजना चलाता हूँ। मीना जी भी मेरे पास रुपए जमा करवाती थी और वो जब भी पैसे जमा करने आती थी तो ये कहती थी, मेरी बेटी सुमन की शादी के लिए काम आएंगे। आज वही पैसे देने आया हूँ। पिछले दिनों उन्होंने मुझे फोन किया था, बेटी की शादी के लिए पैसे की जरूरत है, तो मैं उन्हें पैसे दे दूँ। ये लीजिए, ब्याज लगाकर 4 लाख उनके बैंक में जुड़े हुए हैं, आज उन्हें देने आया था। अशोक मीना को याद करके रोने लगता है और बोलता है, मीना तुम अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं भूली। जाते जाते अपनी बेटी की शादी की भी जिम्मेदारी निभा गई। सुमन बेटी ये देखो, तुम्हारी माँ की तरफ से शादी का तोहफा, ये अंकल जी लाए हैं। ये सब देखकर सुमन रोने लगती है। अशोक उन सब पैसों को सुमन की शादी में लगा देता है और सुमन को ढेर सारा आशीर्वाद देकर खुशी खुशी विदा कर देता है। रंग बिरंगे जादुई सैंडल का पेड़। काशीपुर गांव में सुचिता अपनी बेटी सुहानी के साथ रहती थी। वे लोग बहुत ही गरीब थे। सुचिता लोगों के घरों में जाकर खाना पीना और झाड़ू पोछा लगाने का काम किया करती थी। सुचिता को खाना बनाकर उससे जो कुछ भी पैसे मिलते थे, उसी से वो अपने घर का खर्च और सुहानी के कॉलेज का फीस जमा किया करती थी। सुहानी अपने कॉलेज में बाकी लड़कियों के पास जैसी चीजें देखती थी, घर आकर वह भी अपनी माँ से वैसी ही चीजें मांगा करती थी। सुचिता पूरी कोशिश करती थी कि वह अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी कर सके। तभी एक दिन सुहानी कॉलेज से घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ कॉलेज की सभी लड़कियाँ पिकनिक के लिए मनाली जा रही है। माँ मुझे भी पिकनिक पे जाना है। मुझे पिकनिक पर जाने के लिए 1000 रुपए चाहिए। सुचिता की चप्पल टूट चुकी थी। वह अपने लिए नई चप्पल लाने के लिए पैसे जोड़ रही थी। उसके पास कुल मिलाकर 800 रुपए ही थे। वो अपनी किसी सहेली से 200 रुपए उधार लेकर सुहानी को दे देती है। पैसे लेकर सुहानी 4 दिनों के लिए टूर पर चली जाती है। कुछ दिनों बाद कॉलेज में फेयरवेल पार्टी का अनाउंसमेंट होता है। सुहानी की सहेलियां सुहानी का बहुत ही मजाक उड़ाती है, क्योंकि सुहानी बाकी लड़कियों की तरह ना तो अच्छे कपड़े पहनती थी और ना ही अच्छी सैंडल। सुहानी अपनी सहेलियों को कुछ नहीं कहती है और उदास मन से घर वापस चली जाती है और घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ
मुझे भी शिवानी की तरह अच्छी अच्छी सैंडल चाहिए। मुझे भी फेयरवेल पार्टी के लिए नए नए कपड़े चाहिए माँ। तभी सुचिता अपनी बेटी सुहानी को समझाती है। सुहानी बेटा, हमारे पास जितना है तुम उतने में ही खुश रहना सीख लो बेटी। दूसरों की चीजें देखकर इच्छाएं मत किया करो। लेकिन माँ, मेरे पास खुश रहने के लिए है ही क्या? बस ये छोटा सा घर, इसमें मैं खुश रहूं, या फिर मेरे शरीर पर ये फटे पुराने कपड़े, इसमें खुश रहूं, या फिर मेरे पैरों में फटे पुराने सैंडल, इसमें खुश रहूं। पर सुचिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी को नए कपड़े और नई सैंडल दिला सके, इसलिए वह सुहानी से कहती है, बेटा अभी मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें नए कपड़े और नए सैंडल दिलवा सकूं। तू कुछ दिन और रुक जा, फिर मैं पैसे जमा करके तुम्हें नए कपड़े और नए सैंडल दिलवा दूंगी। लेकिन सुहानी जिद करके ही बैठी थी। उसके बाद सुचिता अपनी बेटी को उसकी पुरानी सहेली सुप्रिया के घर जाने के लिए कहती है। सुहानी, तुम अपनी पुरानी सहेली सुप्रिया के पास जाकर कुछ मदद मांगो, वह तुम्हारी मदद जरूर करेगी। सुप्रिया सुहानी की पुरानी सहेली थी। जब सुचिता सुप्रिया के घर पर खाना बनाने जाती थी, तब वो अपनी बेटी सुहानी को अपने साथ लेकर जाया करती थी, इसलिए सुप्रिया और सुहानी बचपन के अच्छे दोस्त थे। सुप्रिया के पिता एक बिजनेसमैन थे और उन्हें अपने बिजनेस के कारण दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ा। जब से सुप्रिया और सुहानी दोनों अलग हो गए, सुहानी सुप्रिया से मिलती है। सुप्रिया सुहानी को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि वे दोनों बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त थे और दोनों काफी समय बाद मिले थे। तभी सुप्रिया सुहानी से बोलती है, सुहानी हम बहुत समय बाद मिल रहे हैं, मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। हमारा बचपन कितना अच्छा था ना। फिर दोनों मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं। फिर सुहानी सुप्रिया को अपने कॉलेज की सारी बातें बताती है। सुप्रिया, मेरे कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है, क्या तुम मुझे अपनी कोई सी भी एक ड्रेस और एक सैंडल दे सकती हो? मैं तुम्हें फेयरवेल पार्टी के बाद सही सलामत लौटा दूंगी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं सुहानी, इसमें पूछने की क्या जरूरत है, जो मेरा है वह तुम्हारा ही तो है। उसके बाद सुप्रिया अपने सारी सैंडल सुहानी को दिखाती है और सुहानी से बोलती है, सुहानी इसमें से जो तुम्हें पसंद है तुम वो ले लो। तभी सुहानी की नज़र एक चमचमाती हुई सैंडल पर जाती है। सुहानी उस सैंडल की तरफ इशारा करते हुए कहती है, सुप्रिया मुझे तुम्हारी ये वाली सैंडल चाहिए। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ले लो। उसके बाद सुहानी उस सैंडल को अपने पैरों में पहनकर अपने घर के लिए निकल जाती है। लेकिन रास्ते में घर जाने के लिए वह जिस ऑटो पर बैठती है, वह ऑटो वाला चोर निकल जाता है। वह सुहानी को बेहोश करके उसकी चमचमाती हुई सैंडल चुराकर भाग जाता है और सुहानी को सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे छोड़ देता है। जब सुहानी को होश आता है तो वह खुद को एक पेड़ के नीचे पाती है। जब सुहानी अपने पैरों में सैंडल को नहीं देखती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, मेरी वो सैंडल कहाँ गई और ये ऑटो वाला मेरी चमचमाती सैंडल चुरा कर ले गया। अब मैं वो सैंडल सुप्रिया को कैसे वापस करूँगी? अब मेरी माँ इतने पैसे कहाँ से लाएगी कि मैं उसे नई सैंडल खरीद कर वापस कर सकूँ? तभी उसी रास्ते से एक बूढ़ी अम्मा गुजर रही थी। सड़क पर ज्यादा गाड़ियाँ चलने के कारण वह सड़क पार नहीं कर पा रही थी। तभी सुहानी अपनी आंसू पोंछकर उस बूढ़ी अम्मा के पास जाती है। चलो अम्मा, मैं आपको सड़क पार करा देती हूँ। सड़क पार करने के बाद बूढ़ी अम्मा सुहानी से बोलती है, धन्यवाद बेटिया, भगवान तुम्हारा भला करेगा। सुहानी बहुत ही दुखी होती है, इसलिए वह उस बूढ़ी अम्मा को कुछ जवाब नहीं देती है। लेकिन वह बूढ़ी अम्मा सुहानी को रोता हुआ देख लेती है। तभी वह सुहानी से पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही थी, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। नहीं अम्मा, आप मेरी मदद नहीं कर पाएंगी, लेकिन फिर भी अगर आप इतना पूछ रही हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। सुहानी उस बूढ़ी अम्मा को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाती है। यह सब सुनने के बाद वह बूढ़ी अम्मा सुहानी से कहती है, बेटी
क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकती हो? ठीक है अम्मा, चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ। उस बूढ़ी अम्मा को उसके घर तक छोड़ने के बाद सुहाने उस बूढ़ी अम्मा से कहती है, अम्मा क्या आप यहाँ पर रहती हैं? हाँ बिटिया, मैं यही रहती हूँ। आओ बिटिया, अंदर आ जाओ। सुहाने उस बूढ़ी अम्मा के साथ उसके घर के अंदर जाती है। तभी वो बूढ़ी अम्मा सुहानी से कहती है, बेटी तुम बहुत ही अच्छी और नेक दिल लड़की हो। सड़क पार करने में मेरी मदद कोई नहीं कर रहा था, लेकिन तुमने मेरी मदद की। अब मैं तुम्हारी एक मदद करना चाहती हूँ। तुम रुको बेटी, मैं अभी आई। उसके बाद बूढ़ी अम्मा अपना बक्सा खोलती है और उसमें से एक पोटली निकालती है और वह पोटली सुहानी को देते हुए कहती है, बेटी तुम इस पोटली को अपने पास रखो। इसके अंदर एक सुनहरा बीज है, तुम उसको अपने आंगन में लगा देना, फिर तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी बेटी। सुहानी को बूढ़ी अम्मा की बातों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उनका दिल रखने के लिए उस पोटली को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाती है और बूढ़ी अम्मा के कहे अनुसार पोटली के अंदर मौजूद सुनहरे बीज को अपने आंगन में लगा देती है और दुखी होकर अपने घर के अंदर चली जाती है। तभी उसकी माँ उससे कहती है, क्या हुआ बेटी, तू तो सुप्रिया से सैंडल लेने गई थी ना, क्या उसने तुझे सैंडल नहीं दी? अपनी माँ के पूछने पर सुहानी रोते हुए उन्हें सारी बातें बता देती है और बहुत दुखी होती है। माँ अब मैं सुप्रिया को इतनी महंगी सैंडल कैसे लौटा पाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। तू चिंता मत कर बेटा, जो होना था वो तो हो गया। मैं जमींदार जी से उधार लेकर तुझे पैसे दे दूंगी, तू उसी से ही सैंडल खरीद कर सुप्रिया बेटी को लौटा देना। लेकिन माँ जमींदार तो बहुत ही खड़ूस है, वो हमें बिल्कुल उधार नहीं देगा। एक बार बात करने में हर्ज ही क्या है, मैं कल ही जमींदार के पास जाऊंगी, तू चिंता मत कर, अभी तू सो जा। सुहानी और उसकी माँ उस रात सो जाते हैं। अगले दिन सुहानी उठकर जैसे ही आंगन में जाती है, वह देखती है कि आंगन में चमचमाती हुई रंग बिरंगी सैंडलों से लगा हुआ एक बहुत ही विशाल पेड़ है। यह सब देखकर सुहानी बहुत ही हैरान होती है और वो अपनी माँ को आवाज लगाने लगती है, माँ जल्दी बाहर आओ। सुहानी के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ फौरन वहाँ आती है और वह भी यह सब देखकर बहुत ही हैरान होती है। तभी सुहानी कहती है, माँ मैंने आपको बताया था ना कि मुझे एक बूढ़ी अम्मा मिली थी, मुझे लगा वो बूढ़ी अम्मा मुझसे यूं ही कुछ कह रही है, लेकिन उनकी बात तो सच निकली। अब मैं सुहानी को उसकी सैंडल वापस कर पाऊंगी और बाकी की सारी सैंडलों को बेचकर हमारे पास पैसे भी आ जाएंगे। यह सब देखकर सुहानी और उसकी माँ बहुत ही खुश होते हैं और उस पेड़ से सारी सैंडल तोड़ लेते हैं। सबसे पहले सुहानी उनमें से वह वाली सैंडल उठाती है जो उसे सुप्रिया की सैंडल की तरह दिख रही थी। वह बहुत ही खुश होती है और मन ही मन उस बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद करती है। वह उस सैंडल को पहन लेती है। सैंडल पहनते ही सुहानी के कपड़े भी बिल्कुल नए और सुंदर हो जाते हैं। फिर वह अपने कॉलेज के फेयरवेल पार्टी में जाती है जहां सभी लड़कियां उसे देखकर हैरान हो जाती है। फेयरवेल पार्टी खत्म होने के बाद सुहानी वह सैंडल लेकर सुप्रिया को लौटाने चली जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया, तुमने मुझे अपनी सैंडल दी। इतना कहकर सुहानी वापस अपने घर आ जाती है। फिर उन सभी सैंडलों को लेकर दोनों माँ बेटी बाजार जाते हैं और उन्हें बेच देते हैं। सैंडल सुंदर होने के कारण तुरंत ही बिक जाती है और उन्हें उन सैंडल के अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं। इसी तरह अब उस पेड़ पर रोजाना रंग बिरंगी सुंदर सुंदर सैंडलें उगती थी जिसे बेचकर दोनों माँ बेटी अच्छे पैसे कमा लेते थे। इस तरह जादुई रंग बिरंगे सैंडलों के पेड़ की वजह से उनकी गरीबी दूर हो जाती है और अब वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी?
मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।